हाँ। ए भैया हाँ। मालूम नहीं पटना का हनुमान जी काहे इतना रूठ गए हैं जो भैया हमारा मनीष का सबको इतना दुख दे रहे हैं हाँ। काहे बजरंग बली बनाना दे उनका कहे जो कम से कम आगे बढ़ जाओ, गुंडागर्दी खत्म हो जाए बिहार से। चाहते हैं मनीष कश्यप पे एक FIR दर्ज हुआ था जो उन्होंने दिखाया था कि बिहार के मजदूर बाहर में मार खाते हैं, वो सच था। बिहार सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उतना जल्दी बिहार में जो क्राइम कर देता है उतना जल्दी FIR दर्ज नहीं होता है, उतना जल्दी जब्ती कुर्ती नहीं होता है जितना जल्दी मनीष कश्यप FIR दर्ज हो गया। कोनो विकास नहीं हो रहा है, अगर विकास होता तो हम लोग दूसरा स्टेट में जाके गाली बात नहीं सुनते। आज सब बोलता है दूसरा स्टेट में रे बिहारी तुम्हारा का औकात है, तुम्हारा बेटी बहन आके झाड़ू पोछा करती है हमारे स्टेट में। अब हम नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे, मनीष कश्यप जैसा मरद आदमी को बिहार में बनाएंगे। यहाँ पर जितना मनीष कश्यप पर सरकार को FIR करना है करो, हमारे पर भी करो, हम डरने वाले नहीं है। कभी नहीं बनेगा जी, कभी नहीं बनेगा राजा का बेटा राजा, क्योंकि गरीब का बेटा बनेगा, फौजी के बेटा बनेगा बिहार में, राजा के बेटा का हम लोग शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते हैं, शक्ल भी। और 25 साल से हमारे बिहार को कहां लेकर गए हैं आपको मालूम है ना। जेल से निकलने के बाद लगातार सरकार पर बरसते हुए नजर आए, उन्हें जेल जाने से पहले भी सरकार के पोल को खोलते हुए नजर आए, कमियों को दिखाते हुए नजर आए। अब जो है बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, तो पटना जंक्शन पर कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, युवा है। मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत अच्छे समाज सेवक है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सबसे अधिक वोट से वो जीतेंगे, बिहार में सबसे अधिक वोट से वो सांसद बनेंगे जीतेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। अगर टिकट नहीं दिया जा रहा उसको, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो तब भी वो बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे जी, ऐसा मानते हैं आप? जी NSA लगाया गया NSA, तो NSA कहाँ लगा, NSA कोर्ट ने काट दिया NSA को, ये गलत था तब ना हाँ। NSA हटा दिया, कोर्ट गलत होता है क्या हाँ। कोर्ट जो सही होता वो किया, NSA हटा। आप मानते हैं कि मनीष कश्यप अगर बनेंगे तो सुधार होगा? जी, अगर मनीष कश्यप ऐसे युवा अगर सांसद में बैठ जाए हाँ। तो हमें लगता है जो ऐसा प्रधानमंत्री मनीष कश्यप जैसे युवा अगर सांसद में बैठ जाए तो विकसित भारत बनेगा। बनेगा जी बिल्कुल। कहाँ से आप आते हैं? मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। सहरसा का युवा मनीष कश्यप चंपारण के युवा को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं जो सच्चाई दिखा रहा है। एक गरीब का बेटा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा। और मनीष कश्यप इस बार अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सबसे अधिक वोट से सांसद बनेंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा? कभी नहीं बनेगा जी, कभी नहीं बनेगा राजा का बेटा राजा, क्योंकि गरीब का बेटा बनेगा, फौजी के बेटा बनेगा बिहार में, राजा के बेटा का हम लोग शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते हैं, शक्ल भी। और 25 साल से हमारे बिहार को कहां लेकर गए हैं आपको मालूम है ना, कोनो ना कोनो रोजगार है, ना कोनो काम है, ना कोनो रोजगार है। अरे का हम बतियाए, देखिए ना कोनो रोजगार है, ना कोनो शिक्षा है, ना कोनो स्वास्थ्य है। उनका तबियत खराब हो जाता उनका बेटा वोटा का, तो यहाँ पर एम्स है, विदेश भी जाकर दवाई होता है, हमारा गरीब भाई सब कहाँ जाएगा आप बताइए ना। हम लोग भी जाएंगे, आज हमारे बिहार में हम लोग को कीड़ा मकोड़ा बूझते हैं। आई 25 साल से कोनो विकास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोनो विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास होता तो हम लोग दूसरा स्टेट में जाके गाली बात नहीं सुनते। आज सब बोलता है दूसरा स्टेट में रे बिहारी तुम्हारा का औकात है, तुम्हारा बेटी बहन आके झाड़ू पोछा करती है हमारे स्टेट में। अब हम नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे, मनीष कश्यप जैसा मरद आदमी को बिहार में बनाएंगे। यहाँ पर जितना मनीष कश्यप पर सरकार को FIR करना है करो, हमारे पर भी करो, हम डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। नहीं ना, हम यादव होकर भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिहार में मनीष कश्यप जैसा सरकार चाहिए। यादव सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप? एकदम करेंगे, अगर जो होशियार यादव है ना वो एकदम सपोर्ट करेगा, इसलिए जो यादव सबका लड़का सब ज्यादा बाहर में जाके कमाता है, ज्यादा पिटाता है, क्योंकि ये सब नहीं जाता है, या ये सब हमको क्या बुझता है, लोग हम लोग का कीड़ा मकोड़ा बुझता है। आज आज है ना हम लोग बिहार को बदलना है। आज मनीष भैया का हम जब भी भाषण देखते हैं उषा बोलते हैं जो भैया एक हिंदू नहीं है दे, एक ऐसा बनो, एक बिहारी बनो और हमारे बिहार से एकदम भुखमरी और बेरोजगारी खत्म करो, क्योंकि वो आज नेता सब क्या बोलता है, कोई कोई बोलता है जो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम अपने जात के नेता लोग के लिए, जो भी जात का लड़का लोग के ये लिए ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं चाहिए, हमको पूरा आदमी को सपोर्ट करने वाला, बात करने वाला आदमी चाहिए, तो वही शख्स है मनीष कश्यप, उसके जैसे इतना विश्वास बस मालूम नहीं। सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार हाँ। ए भैया मालूम नहीं पटना का हनुमान जी काहे इतना रूठ गए हैं जो भैया हमारा मनीष कश्यप को इतना दुख दे रहे हैं। काहे बजरंग बली बनाना दे उनका कहे जो कम से कम आगे बढ़ जाओ, गुंडागर्दी खत्म हो जाए बिहार से। चाहते हैं मनीष कश्यप? बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या पूरा बिहार चाहता है हाँ। बिल्कुल पूरा बिहार चाहता है, कोई सपोर्टर कोई नहीं मिलेगा ना, आपको ट्विटर मिलेगा ना। मनीष कश्यप जिंदाबाद, आपको अभिनंदन। पहले हम कह रहे हैं भैया कि देखिए मनीष कश्यप जो है सच सच कहता है, सच छुप नहीं सकता, उसको मिट्टी में दबा के रखिए, पानी में दबा के रखिए, चाहे जहाँ रखे मर्जी, चाहे NSA लगाइए, चाहे उसको
कहीं सूली पर चढ़ा दीजिए, सच्चाई एकदम निकल के रहेगी। भगत सिंह जैसा त्यागी वो निकला, वैसा ही भी एक वीर बेटा निकला है फिर बिहार से। हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और देश की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। कल हो सकता है सीएम आज बने, कल पीएम भी बनाएंगे। एक वोट मनीष भैया के समर्थक में मेरा हाजिर रहेगा। भारत माता की। मनीष कसो चाहते हैं कि सांसद बने जी? सांसद बने? हाँ बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, होना चाहिए ऐसा। मनीष कश्यप पे एक FIR दर्ज हुआ था जो उन्होंने दिखाया था कि बिहार के मजदूर बाहर में मार खाते हैं, वो सच था। बिहार सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उतना जल्दी बिहार में जो क्राइम कर देता है उतना जल्दी FIR दर्ज नहीं होता है, उतना जल्दी जब्ती कुर्ती नहीं होता है जितना जल्दी मनीष कश्यप पे FIR दर्ज हो गया। एक मिनट हम भी बोलो बोलिए। मनीष कश्यप को इधर का CM बनाना चाहिए। बनाना चाहिए? यूपी, यूपी से गोरखपुर, यूपी का लड़का मनीष कश्यप का फैन तो पूरा ऑल इंडिया, पूरा ऑल इंडिया फैन है उसका। तो आप चाहते हैं कि बने? बने नहीं तो चिराग पासवान है, मनीष कश्यप दोनों से कोई बने। चोर का सब बेटे इधर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? सब चोर के बेटे बैठे हैं। वाह 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 वाह। देखिए जो मतलब है चारा चोल नोमी फेल, कौन बनाएगा मुख्यमंत्री? बिहार को जंगल राज में नहीं ढकेलना है, नहीं ढकेलना है। किसके हाथ देना? हमें रोजगार भी चाहिए। मनीष भैया ने तो तेजस्वी, सॉरी वो चिराग, चिराग मनीष कश्यप का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इनके अलावा कोई है ही नहीं बिहार के अंदर अभी फिलहाल में। मनीष कश्यप के अलावा कोई नहीं है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बीजेपी से कोई हो, चाहे RJD से, चाहे JDU से, चाहे कांग्रेस से, कोई नहीं है बिहार। बिहार को अगर कहीं पसंद करता है मनीष कश्यप, काम किया है वो काम कर रहे हैं, वो सच बोलते हैं, इसलिए सारी सच्चाई है उसमें ना, इसलिए लड़ता है। सारी पार्टियां डर गई है, यहाँ तक कि बीजेपी भी उसको टिकट नहीं दी, उसको भी डर है, उसको भी डर है मनीष का सबसे, क्योंकि उसको ये डर है कि पलायन जो है बिहार से ये रोकेगा, बिल्कुल ये रुकेगा अगर वो आएंगे तो। चलिए अगर वो आएंगे तो बिहार से जो है प्लान वो रुकेगा। यहाँ तक नहीं बिहार के युवा नहीं, उत्तर प्रदेश से भी युवा चल के आए, तो उन्होंने आकर भी बताया कि मनीष कश्यप को जो है चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल इसमें आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।